आपसे मुझे शुक्रिया अदा करना था आपका। किस बात का भाई? वो जो आपने मुझे दुबई की जेल जाते जाते रोक दिया था, बचा लिया था मुझे। मैं भाई वो तो शुक्र करो तुमने बड़े टाइम पे मुझे फोन कर लिया, वरना अगर तुम मुझे फोन नहीं करते और अगर मेरे पास वो बंदा नहीं अवेलेबल होता तो आपकी वो रात पिसिंग एंड पिसिंग वो रात तो आपकी जेल में जानी जानी थी। अच्छा तुझे मशवरा किससे दिया था ये इतनी सारी डीवीडीज लाने? देखे 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 हाँ ये बताओ। डीवीडीज थी 2005 सात अक्टूबर 2005 तारीख भी याद है। यूट्यूब बस नया नया आया था, ठीक है। फिल्में टोरेंट तो था ही नहीं था। जिस होटल में हम रहते थे उसके अंदर सारे गरीबों वाले चैनल, मतलब सस्ते सस्ते दुबई का यूके और अमेरिका वाला चैनल लगा होता था, हम टीवी भी नहीं देख सकते थे। जब आप लोगों के ख्वाहिश पे मैं लगवा के तो देता था, देते थे वो टू और पता नहीं कौन वो अच्छे तो दिए मैंने दिए, लेकिन वो अपनी कलेक्शन की तो बात ही और होती है ना। हम कराची से 50-50 रुपए की 3-in-1 इंडियन फिल्में और इंग्लिश फिल्में लेके गए और वो हमने दे दी, रख ली बैग में। मुझसे पहले अदनान जफजेस निकल के गए, उनके बैग में रखी हुई है, पकड़ा ही नहीं उनको, चले गए और हम गए, उन्होंने बैग खोल दिया हमारा। तो सर आप अदनान जमशेद को आपने दी होगी 12-15-10, आपके बैग में तो माशाल्लाह और 90 दो बैगों में। तो मतलब आप दोनों बैगों में अब एक चीज लेके जा रहे हैं जो कि वहां पे बैन है। अब आप ये सोचिए कि मुझे कितने लोहे के चने जमाने पड़े आपको सिर्फ रोकने के लिए। मुझे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा, ठीक है, लेकिन ये थैंक्स टू गॉड अलमाइटी अल्लाह कि उसने उसके दिल में नेगी डाल दी, उसे रख ली, 45 रख ली थी। अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो रखी तो रखी, लेकिन आपको तो रिलीज कर दिया। ये तो है, ये बात आप मानेंगे मेरी कि मैं आपको सेम डे में मैं आपको रिलीज करा के लेके आया। बड़ी बात आपको जेल ले जाने दिया। खुदा ना खास्ता अगर आप चले जाते और जिस सुरते ने आपको बंद किया था और अगर वो एनिमल लीव पर चला जाता या कहीं जाता तो खोलता भी वही, भले आपको कोर्ट से आपको रिलीज ऑर्डर आ चुके होते हैं लेकिन कोई दूसरा सुरता आपको रिलीज भी नहीं करता। अच्छा अगर वही चीजें मैं यूएसबी में ले आता तो कोई कुछ नहीं कहता? ऑब्वियसली फिर तो कोई कुछ नहीं कहता ना, लेकिन ये चीज एक तो बैंड आया था दुबई में, बैंड आया वो कि वो फ्री जोन है। हाँ माना कि वो फ्री जोन है, लेकिन फ्री जोन के लिए एक अपना क्राइटेरिया है ना मेरा भाई, ठीक है। आप एक लिमिटेड चीजें ला सकते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह दो बैग भर के लेके आ गए। हाँ और पैकेट्स बनाए हुए थे बाकायदा, बॉक्स था अंदर हर चीज, आप बच्चे इधर रखा है, मिथुन चक्रवर्ती इधर रखा है और उसने तो माशाल्लाह आप भी तो फनकार आदमी है ना। कैसे गुजरते 90 दिन कैसे गुजरते दुबई में? खर्चा हमें करना नहीं है, सिनेमा कम कम जाते थे, हफ्ते में 2 दिन खाली सिनेमा में। जब आप लोग जाके नहीं पूरा एक ग्रुप बना के आप लोग जाया करते थे, ठीक है, जो फिल्म आई नहीं दुबई में रिलीज नहीं होती थी और आप सारे पहुंचे भी होते थे। ये बात ना करे ना कि सिनेमा नहीं जाते थे। सर आज अभी जहाजे बारसी से बात हो रही थी, इंडियन फिल्म क्रिश ये रिलीज हुई है जून या जुलाई 2006 में। हमारे दिमाग में आ गई कि इंडिया में रिलीज होगी जुम्मे को, हमारे यहाँ हुई है वेंसडे को, हम पहले देखेंगे। पता नहीं क्या पागलपन था, जैमसी पहुंच गए सबसे आगे की रो में बैठ गए, टेनिस मैच ही तक न्यू देखा हमने में पूरी फिल्म, लेकिन देखनी थी फारी में। तो इस तरह वो याद नहीं है वो आमिर खान की जो आई थी रंग दे बसंती? हाँ तारिक बतीन, ठीक है, 6 दफा वो रंग दे बसंती देख रहे। अच्छा एक नहीं वो रेड सेंटर में अलग देख रहे हैं, ठीक है, लेमसी में अलग देखी, ठीक है, फिर वो जो आपका उधर था वो क्या नाम था उसका, मॉल ऑफ द एमिरेट्स में। अबे भाई भाई एक जगह देख लिए खत्म करो। वो तो एंड में उसने आमिर खान ने आके कहा ना स्क्रीन पे, ओ भाई घर चला जा माफ कर दे। अच्छा ये सब बातें तो हो गई, ये बताएं मुझे ये पैरेंट्स ऑफ द अरेबियन क्या था? ये क्या था मतलब? ये आप मुझे भी जानते हैं और मेरा एक अदद जुड़वा भाई है उमर अली, उसको भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1990-91 से। उस बंदे ने मुझे जिंदगी में कोई ढंग का काम करने नहीं दिया। हमारे घर में मैगजीन आता था 12 रुपए का यंग टाइम्स, हम उसके पोस्टर दीवार पे लगाते थे और जो बच जाते थे वो हमने
इंतहाई कामयाबी के साथ स्कूल में बेचते थे जाके। हम वो पोस्टर पांच बैग में भरते थे और जहाँ कोई निकला क्लास में आया, खबर हो गई, एक लड़का आया कि यार एक्सेल रोज का पोस्टर है, अब एक्सेल रोज का हमें काम नहीं। हमने कहा है क्या दे दो, मैंने कहा 5 रुपये जेब में, पोस्टर दे दिया। वो आया गन्स एंड रोज़ेस चाहिए और हमें ब्रूस विलिस चाहिए, हमें नहीं काम था इनका, हमने निकाल के दे दिए। पीच का पेज 10 रुपये, साइड का 5 रुपये। उनके घर में आके अम्मी को बता दिया, अम्मी ने हमें बैठाएगा कि बेटा एक काम करो, ये चीजें रखी है ये भी बेच दो जाके। खत्म किस्सा। फिर हम रेनबो सेंटर रेगुलर जाते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहाँ और क्या मिलता है। ना वो कभी और लिया हमने, ना वो और हमने कभी देखा, क्योंकि अगर देखते तो भाई आपको पता है अम्मी ये कर रहा है, अरे भाई उसी में हम बड़े हो गए और हम दुबई आ गए। और दुबई में आपको पता है मार्केट सीन चीजों की, बाबू भाई और सबके पास। एक दिन उसी हल्ले में खुशी खुशी X-Men 3 आई। अब X-Men नाम से तो खतरनाक फिल्म लग रही है, लेकिन थी तो नॉर्मल। हमने कराची फोन किया, मैं यार X-Men 1 और X-Men 2 की DVD भेजो, किसी आ रहा था कोई भेज दी। हमने वो दोनों फिल्में देखी और सलमान हसन और हम चौड़े चौड़े गए सिनेमा और X-Men 3 देख के आए, जैसे बहुत कोई नेक काम किया है। हो गया। फिर लगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 3। अब 1-2 हमने नहीं देखी थी। हमने कहा यार कराची से कोई आ रहा है तो मंगाते हैं, कोई नहीं आ रहा था। अल्लाह का बंदा एक नॉक नॉक किया उसने हमारे कमरे पे, बंगाली था। मैं कहा जी ए तेरे को फिल्में चाहिए? तो कौन सी? मेरे पास ही मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 1-2 होंगी, मिला दूंगा, ले आना भाई। वो अगले दिन आया और उसने DVD दी। अब उसमें पायरेट्स कुछ अजीब सी बनी हुई थी। मैं खोली, मैं कह यार ये तो अजीब है, लेकिन उसमें बेसिक इंसिडेंट 2 लिखा था, रेटेड फिल्म थी। हमें चलो ले रख लेते हैं। जब वो उनके जाने के बाद वो हमने DVD लगाई तो वो अलग ही पायरेट्स थी भाई, वो सिनेमा में ना लगने वाली पायरेट्स थी, सबसे महंगी अपने जमाने की। कौन? ओ हो भी ये क्या हो गया भाई? अब एक आदमी 26-27 साल की उम्र पे पहली बार कोई, ओ भाई ये क्या है? वो तो वैसे ही डर गया कि भाई का फोन ना आ जाए कहीं, ओए क्या देख रहे हो? वो मैं बंद की और बाहर निकल के ऑफिस में जाके एक दोस्त को दी के ये पकड़ भाई, पता नहीं क्या है। उसने क्या है ये? ऑफिस में तो लड़कों की चांदी हो गई। ईद पे इतने खुश नहीं होते थे वो पूरे ऑफिस में घूमना शुरू हो गए। यानी कि मैं ये समझूं कि इस वजह से फिर उसका नाम जो है उसको फिर उसका कोड वर्ड बन गया पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, नहीं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। और वो सुपर हिट, और उसका पार्ट 2 भी आ गया तो वो और सुपर हिट। मैं यही सोचूं, मैं दुबई से ये चीज मेरे जहन में कि यार ये क्या बवाल है कि इसका नाम तो ये है लेकिन मशहूर ये हो रही है इस नाम से, तो ये मतलब यार ये अच्छा हुआ आपने मुझे क्लियर करा। तो ये है।